राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर जारी है। मौसम विभाग द्वारा तापमान के आंकड़े लगातार जारी किए जा रहे हैं। राजस्थान में मंगलवार को लू की वजह से हालात खराब हो गए। चुरू में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शहर में दिन के वक्त पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस और झुंझुनू में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि राज्य में कई राज्यों पर लोगों ने अपने खुद के थर्मामीटर का इस्तेमाल कर ज्यादा तापमान दर्ज किए जाने की बात कही। हालांकि जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने इसे कुछ इस तरह से समझाया। मौसम विभाग द्वारा तापमान का जो आंकड़ा दिया जाता है, ये सतह से 1.25 मीटर ऊंचाई पर हवा का तापमान है, न कि किसी सतह का। अब यदि हम किसी सतह का या सरफेस का टेम्परेचर दोपहर के समय मापेंगे, चाहे वो रेत का यदि तापमान देखें या कोई मेटल की बॉडी है या कोई गाड़ी के, यदि मान लीजिए गाड़ी के सरफेस के मेटलिक पार्ट का यदि हम टेम्परेचर देखें, या कोई रोड पर भी यदि आप लगा के देखें, डामर रोड पर दोपहर में सूरज की रोशनी से वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और हवा की तुलना में जो है वो उसका तापमान ऑलवेज जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हो सकता है। तापमान मापने के लिए जमीन से करीब 4 फीट ऊपर खास डिब्बा बनाया जाता है, जिसमें 4 खास थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई बल्ब थर्मामीटर हवा का तापमान रिकॉर्ड करता है, जबकि वेट बल्ब थर्मामीटर नमी को मापता है। तीसरा थर्मामीटर अधिकतम तापमान और चौथा न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करता है। 4 थर्मामीटरों को इस तरह से रखा जाता है कि सीधी धूप उन पर ना पड़े। निदेशक के मुताबिक दुनिया भर के मौसम कार्यालय इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से दर्ज किए गए डेटा को ही मौसम वैज्ञानिक सही मानते हैं।